नमस्कार, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। हमारे पीछे आपको जो बैरिकेड दिख रहा है, ये वही बैरिकेड है जो सुबह यहां पे एक किसान यूनियन का एक जत्था यहां पे पहुंचा था, जिसके बाद इस बैरिकेड को तोड़कर किसान यूनियन के तमाम नेता जितने भी थे, कार्यकर्ता जितने भी, तमाम इस जंतर मंतर पर कूच कर गए थे। आप सभी को पता है दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, इस पहलवानों का बस एक ही मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, इस्तीफे की बात हो, उसके बाद निष्पक्षता से जांच हो। अब हम आपको पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन का ये कहना था कि ये जो आपको मेरे सामने आपको ये एक देख रहा होगा एक छोटा सा गेट, पुलिस प्रशासन कहना था कि एक एक करके जाँच की प्रक्रिया पूरी करने निस्संग जाँच होनी चाहिए, पूरी निष्पक्षता से जाँच होने के बाद एक एक करके इस गेट से एंट्री दी गई थी। लेकिन उस किसान यूनियन के जितने भी लोग थे उनका ये कहना था कि नहीं, मैं एक ही बार में इस बैरिकेड को क्रॉस करके मैं अंदर आऊँगा, और वही हुआ। उसके बाद ये तमाम किसान यूनियन के जो हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता आए थे, वो तमाम लोग इस बैरिकेड को तोड़कर एकदम से उनका जत्था अंदर आया। तमाम किसान यूनियन के जितने भी कार्यकर्ता थे, तमाम लोग इस बैरिकेड को तोड़कर और अंदर आ गए थे। ऐसे में ही कुछ लोग यहाँ पे थे जो उस समय घटनास्थल पर मौजूद थे, उसे में हम उनसे बातचीत करते और समझने की कोशिश करते हैं आखिर उस समय क्या हुआ था, क्या हुआ था उसमें। बता दूँ कि वहाँ से करीब 200-300 लोगों की संख्या, मैं घुमा चाहूँगा, कैमरामैन थोड़ा घुमा के दिखाएं कि वहाँ से 200-300 लोग केरला हाउस की तरफ से आ रहे थे, हाथ में झंडे थे। उस तरफ से पुलिस की व्यवस्था थी आने की, पुलिस थी यहाँ पे, लेकिन डबल लाइन का बैरिकेड था ये। यहाँ पे CRPF था, यहाँ पे DCP भी, एडिशनल DCP थी यहाँ ही पास में लगा। उन्होंने कुछ सेकंड का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बताऊं आपको कि उन्होंने पुश किया इसको, और DCP और पुलिस वालों ने बोला कि आप उधर से आओ, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने पुश करके ये गिरा दिए दोनों बैरिकेड, और इसके ऊपर से चढ़ के और पूरी स्पीड से जितना हुआ पुलिस ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन इतना जब तक संभलते लोग इकट्ठे होते, 8-10 पुलिस वाले होंगे और CRPF वाले होंगे, तब तक तो वो अंदर प्रवेश कर गए। उधर काफ़ी पतला रास्ता है, और एक जब मोमेंटम होता है एक भीड़ का, तो उसको अगर पैसेज नहीं मिलता है तो लोग अलग अलग जगह से निकलना चाहते हैं, वो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। नीचे यहाँ साइड में हेलमेट्स रखे हुए थे, CRPF के सारे दब गए, हम तुरंत पीछे हटे क्योंकि हम भी शूट कर रहे थे, तो हम पीछे हटे थोड़ा सा और पीछे हट के हमने उसको शूट किया। मतलब इन लोगों का ये कहना है कि जो किसान यूनियन का जो हजारों की संख्या में जो किसान आज दिल्ली के जंतर मंतर पे कूच के थे, क्योंकि कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत का जो कहना हुआ था कि यहाँ पे खाक पंचायत और किसान यूनियन के लोग लगातार यहाँ पे आते रहेंगे और उनका जो प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन को हम भारी ताकत देने की कोशिश करेंगे। साफ तौर पर उनका कल ये भी कहना था कि तिरंगा का अपमान किया गया है, हमारे तिरंगों को झुकाने की कोशिश की गई है। पहलवान जो लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कल शाम में उनका कैंडल मार्च निकाला था, लेकिन उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक निष्पक्षता से जांच नहीं हो पाएगी। और आपको हम सामने कैमरे में दिखाते हैं कि जो अभी किसान यूनियन जो यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, कुछ लोग यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए भी हैं और कुछ लोग अभी चले भी गए हैं।